पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है और आज से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो, किसी क्वेश्चन को आपको देखना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाके उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपने डाउट को अपने पेपर में लिख लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मेरा ईमेल आईडी मिलता है उस ईमेल आईडी में आप मेरे को मेल कर लीजिए। तो वो ईमेल पढ़ के मैं देख लूँगा, अगर मेरे को ज़रूरत लगेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप में समझा सकूँ वीडियो कॉल करके, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके भी या कॉल करके, वीडियो कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। याद रखिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप मेरे से नंबर मांगते हैं तो मैं आपको नंबर नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर लीजिए अपने डाउट्स के साथ में, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 के लिए कोई इंट्रोडक्शन मैं अलग से नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत खास तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब तक ये हो रहा था कि हम जो वेरिएबल होता था किसी भी इक्वेशन में, वो लेफ्ट साइड होता था और राइट साइड में एक कांस्टेंट नंबर होता था। तो उसमें हम लोग सॉल्व करके ट्रांसपोजिंग मेथड या डिस्प्लेसिंग मेथड, कोई भी मेथड को यूज करके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब यहां से क्या होगा कि आपको LHS और RHS दोनों साइड में वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, और उन वेरिएबल वेरिएबल आपका सेम रहेगा, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल रहेगा लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, उसको सॉल्व करके आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये चीज, आप एक के बाद एक जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो अपने एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक हेडलाइन सबका सेम है, यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में भी x है और राइट साइड में भी x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, यहाँ आप देखो लेफ्ट साइड भी एक एक्सप्रेशन है, राइट साइड भी एक एक्सप्रेशन है, और लेफ्ट साइड में भी आपको x मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी x मिलेगा। फाइंड आउट क्या करना है, x का वैल्यू। अभी तक क्या होता था, हमारे पास लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किसी भी एक साइड एक वेरिएबल हुआ करता था और दूसरे साइड कांस्टेंट टर्म होता था। तो हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ मिला के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप ट्रांसपोजिंग मेथड ही यूज करोगे और उसी को यूज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर क्या करना है आपको, जितने कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको एक साइड ले लेना है और जितने वेरिएबल्स होंगे उसको एक साइड। तो एक काम करते हैं, 3x यहां पर है तो 2x को इस साइड लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। अब क्योंकि यहां पर 2x प्लस में है तो अगर ये इस साइड ट्रांसपोज होगा तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये होगा 2 - 2x इज इक्वल टू, यहां पर अब सिर्फ 18 बच गया है तो यहां पर लिख देंगे 18। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 3x - 2x, वेरिएबल दोनों का सेम है, ठीक है, x है और x है, इसलिए इनके कोफिशियंट को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3 - 2 हो गया 1। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट x लिख सकते हो। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 3x और 2x में 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 3 का साइन पॉजिटिव है इसलिए प्लस में ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू 18, x का जो वैल्यू है वो आ गया 18। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि चेक योर रिजल्ट। अब आप रिजल्ट को कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं है, जो वैल्यू आप फाइंड आउट किए हो उसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है। तो यहां लिखेंगे चेकिंग रिजल्ट। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन में कर देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम के टाइम पे कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। चेकिंग रिजल्ट लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। यहां पर x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए 18, तो ये आ गया 3 * 18, x की जगह 18। अब यहां पर देखो इंटू क्यों आएगा, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर 2 into 18 प्लस 18, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। 3 into 18, अगर 18 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ लो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, प्लस 2 हो गया 5, ये आ गया 54 इज इक्वल्स टू 18 into 2 होता है 36 प्लस 18। 54 इज इक्वल्स टू, आप 36 और 18 को ऐड करोगे तो वहां पर भी आपको 54 ही मिलेगा, ठीक है। ये आ गया 54। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, ये आपने चेक कर लिया रिजल्ट। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आया एक्स इज इक्वल्स टू 18, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल कंडीशन। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 54 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 54 आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन।